आपसी खबर का रुख कर लेते। बीजेपी की दूसरी सूची अब तैयार हो गई है। बीजेपी जल्द दूसरी सूची जारी करेगी। 64 नामों की सूची पर सूची जारी होने की चर्चा इस वक्त चली। तो बता दें कि बैठकों के बाद सूची को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगने के बाद ये सूची जारी कर दी जाएगी। तो छिंदवाड़ा जैसी बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया था और अब 64 नामों की सूची तैयार कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि जल्द ही 64 नामों पर भी मुहर लग जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं, कौन कौन से वो 64 नाम है जिनका सूची में नाम है। तो बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही थी, अंतिम रूप इसे दे दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब इनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, देखिए 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया और अब 64 नामों की तैयारी हो चुकी है, कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया गया और अब 64 नामों की सूची तैयार कर ली गई है, अंतिम रूप इसे दे दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब इन नामों का ऐलान किया जाएगा। तो बता दें कि आज ही एक बड़ी बैठक भी ली गई थी और इस महत्वपूर्ण बैठक में इसमें चर्चा भी की गई प्रत्याशियों के नाम को लेकर और सूची अब तैयार लगभग बताई जा रही है, सिर्फ ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ गए। मनोज जी, देखिए 64 नामों की सूची तैयार कर ली गई, अब इंतजार रहेगा कि कब इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए बहुत जल्द मुझे लग रहा है 30 तारीख से पहले ये सूची आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अब इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उन सीटों को निशाना बनाया, उन सीटों पर ध्यान दिया गया है जैसे छिंदवाड़ा है या फिर हम बाकी जो अन्य सीटें बात करें राघवगढ़ है, ये सब वो सीटें हैं जहां वरिष्ठ नेता या इस लेवल के नेता जिनसे भारतीय जनता पार्टी को दो चार होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो उन सीटों को इसमें कहीं ना कहीं रखा गया है जो जानकारी मेरे पास है। और 64 सीटें वो भी है जिसमें से 103 आकांक्षी विधानसभा पहले तैयार की थी भारतीय जनता पार्टी ने, 39 सीटों पर घोषित हो चुके हैं, जो 64 बची है उस पर अब सूची जारी करने की तैयारियां हैं। उसकी तैयारियां हो चुकी, कई दौर की बैठक हो चुकी और दिल्ली से इस पर मोहर लगने के बाद ये साथ होगी। संभावना यही है कि 30 तारीख या उससे पहले एक आध दिन पहले ये सूची आ जाएगी और इसमें साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 39 जैसे नामों पर बढ़त ली है, वैसे 64 और नामों को जारी करके बताना चाहती है कि हम पूरी तरह 2023 को लेकर तैयार है और तैयारी का मौका अपने प्रत्याशियों को देना चाहते हैं एक अलग तरह की रणनीति के साथ। तो जल्दी जल्दी प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर देना ये साफ बताता है कि बीजेपी किस तरीके से रणनीतिक तौर से आगे बढ़ रही है और देखिए सत्ता को फिर से पाने के लिए यहाँ पर बीजेपी की पूरी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच